हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न फुटवेयर हॉल। मैं कुछ फ्लैट्स भी शेयर करूँगी, कुछ हील्स भी शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। सो ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अमेज़न पे 50-80% डिस्काउंट आपको मिलते रहते हैं और सेल भी चलते रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है। इंडिविजुअल लिंक्स भी है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी है, जहाँ पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर परचेज भी कर सकते हैं। आप इन्हें विशलिस्ट पर ऐड कर सकते हैं और जब प्राइसेस लो हो जाते हैं सेल के टाइम, तब आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट इज माय पर्सनल फेवरेट। जितने भी मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी ना, सारे ही मेरे पसंद के हैं, बट दिस इज मोस्ट फेवरेट। और ये जो है ये है फ्रॉम द ब्रांड बाटा। ये एक ब्लॉक हील है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि मैं जनरली हील नहीं पहनती। मैं बहुत कम, सिर्फ इंडियन वेयर के साथ, साड़ी या लहंगा के साथ ही मैं हील पहनती हूँ। वो भी अगर कंफर्टेबल होता है तो ही मैं पहनती हूँ। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, एकदम ब्लश पिंक कलर में है, जो कि आजकल इतना ट्रेंड में है। एंड जो हील की हाइट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए तो इतना हाइट ही बहुत है। एंड ये जो हील है ना, ये काफ़ी स्टर्डी है। एंड बाटा के जो फुटवेयर्स होते हैं वो मुझे, मेरी फैमिली को अच्छा लगता ही है। एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, गुड क्वालिटी। एंड जो बेस्ट पार्ट मुझे लगी ना इसमें, ये वाला फ्रंट पोर्शन, ये एक कट है जो कि काफ़ी अच्छा एक ट्रेंडी लुक दिया है। एंड इसके जो ये स्ट्रैप्स है ना, दीज आर ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। द कलर इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो अगर आप कुछ कंफर्टेबल हील ढूंढ रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। मेरा जो साइज है वो है EU 38, UK 5, US 5.5। नेक्स्ट अगेन मैं एक बाटा का ये फुटवेयर शेयर करूंगी, विच इज़ फॉर माई मॉम, क्योंकि मेरी मम्मा को ना बाटा के फुटवेयर ही पसंद आते हैं। ये मैंने अपने मम्मा के लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि उन्हें इस तरीके के कंफर्टेबल शूज ही पसंद आते हैं। एंड ये बहुत अच्छे हैं, जब हम लोग ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तब भी ये काम आता है। इस रेंज के हम लोगों ने कई सारे शूज ट्राई किया है, मेरी मम्मी ने ट्राई किया है तो उनको अच्छा लगा। तो ये वाला पहली बार उन्होंने ये कलर ट्राई किया है, एंड द कलर लुक्स सो प्रिटी। इसका जो सोल है वो भी सॉफ्ट है, एंड ये कपड़े का है मटीरियल, तो ये पानी में भीग जाएगा। इसका जो साइज है मेरी मम्मी का वो है साइज नंबर 6, और इसका यहाँ पर MRP है 499 रुपीज़, लेकिन अमेज़न पे आपको इस प्राइस में मिल जाएगी। वेडिंग के लिए ना कुछ फ्लैट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हील्स में तो मिल जाते हैं बट फ्लैट्स ढूंढना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो फ्लैट्स है ये मैंने स्पेशली इस वेडिंग सीजन के लिए ही परचेज किया है। दिस लुक्स सो गॉर्जियस, और इसमें कई कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें ये जो ग्लिटर्स है ना, ये ऐसे नहीं कि ये आपको हाथ में चिपक रहा है, ऐसा नहीं है। दिस आर वेल स्टक हियर। और ये इसका जो एक प्रॉब्लम है कि ये उतना सॉफ्ट नहीं है, दिस इज़ वेरी हार्ड। और इसमें जो बैक पोर्शन है वहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्लिपरी नहीं होगा, स्लिप नहीं करेंगे आप इसे पहनकर। बट एकदम फ्लैट है, इसमें कुछ भी हील्स वगैरह नहीं है। मैं जनरली फ्लैट से ही पसंद करती हूँ। एंड सिर्फ आप इसे इंडियन वेयर के साथ ही नहीं, वेस्टर्न वेयर के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। इसमें गोल्डन कलर था, ब्लैक कलर था आई थिंक। इसका जो ये पोर्शन है ना, ये काफी हार्ड है, तो जब आप चलते हैं तो फोल्ड होता है ना पैर, तो उस टाइम थोड़ा ये मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो आप इसे डेली वेयर के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली पार्टीज़ के लिए एंड ओकेशनली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम सेलर से मैंने ये पेयर लिया है, ये सेम ही सेलर के हैं। एंड ये दोनों ही एक सिंगल पैकेजिंग में आया था, तो कार्डबोर्ड के एक साइड में ये वाला था, दूसरे साइड में ये वाला था। और इनके जो पैकेजिंग है वो भी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ऐसे अलग से पैकेट में हर पेयर आया था, सो दैट इज़ गुड। इसमें भी ग्लिटर्स है बट इसमें स्ट्रैप्स है, तो अगर ट्रैवलिंग के वक्त आप इसे वेयर करना चाहते हैं, अगर कहीं दूर पर कुछ फंक्शन है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप इसे पहन सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैप्स में ना वो और कंफर्टेबल हो जाता है। ये भी उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड। और इसका जो बैक साइड है वो भी सेम है उस वाले की तरह, बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई हील्स वगैरह नहीं है। बट मुझे इसका डिज़ाइन
काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जो लुक आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हील डाली है, बट एक्चुअली में ये फ्लैट है। दैट्स द बेस्ट पार्ट जो मुझे इसकी लगी। एंड ये जो पोर्शन है ये भी हार्ड ही है, तो ये जो फ्लैट्स है ना ये कम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे सिर्फ ओकेशनली ही वेयर कर सकते हैं, ये बस स्टाइल के लिए है या फिर कहीं पर कुछ फंक्शन है उसके लिए है। बट वो फ्लैट से ये वाला थोड़ा कम्फर्टेबल है, क्योंकि इसमें ये पोर्शन ना काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। वो उसमें ब्रॉडर था और इसमें थोड़ा सा पतला ही है, तो इसीलिए ये उतना ज़्यादा पैर में चुभता नहीं है। म्यूल सैंडल्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, और मैंने ये वाला इस बार लिया है म्यूल सैंडल। मैंने कुछ अलग सा ट्राई किया है आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन दिस टाइम। ये फ्लैट है, म्यूल्स फ्लैट ही होते हैं, एंड इसका जो मटीरियल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। आप इसे डेली वेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ सो कम्फर्टेबल। एंड मेरा साइज़ है 38, विच इज़ UK 5। इसमें ना कई सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैंने ये ब्लश पिंक वाला ट्राई किया है। आई डोंट नो, इस बार कोइंसिडेंटली मेरे सारे ही फुटवेयर्स ब्लश पिंक कलर में आ गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ट्राई करूँगी, एक तो मैंने ब्लैक वाला ले लिया और बाकी सारे ही ब्लश पिंक के शेड्स हैं। ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे आप इंडियन वेयर के साथ, वेस्टर्न वेयर के साथ कैरी कर सकते हैं। एंड इसमें अगर इसका जो कलर है वो अगर आप न्यूड ले लेते हैं या फिर ग्रे कलर भी अवेलेबल था, तो वो आप फॉर्मल वेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है आई वुड से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला। ये सबसे अच्छा लगा एंड ये सबसे ज़्यादा कम प्राइस में था। आई थिंक 250 के आसपास इसका प्राइस था। सो आई थिंक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। आप इस तरीके के म्यूल्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आप म्यूल सैंडल्स ट्राई करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। ये आपको अमेजन पे इतने सस्ते में मिल जाएगा ना। बट हाँ, ऐसा नहीं कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पानी में भीगा तो शायद इसके यहाँ पर जो गम वगैरह है, स्टिकिंग वगैरह है, वो शायद निकल जाएगा। बट ये आप समर्स में या विंटर्स में भी वेयर कर सकते हैं। जस्ट ये पानी में ना भीगे, अगर भीग जाएगा तो शायद खराब हो सकता है। मैंने ये हॉल स्टार्ट किया था एक हील के साथ और मैं एंड करूँगी एक और एक हील के साथ। तो ये वाला जो हील है ना, ये मैंने एक वेडिंग पर्पज़ के लिए लिया था, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसे नहीं पहन पाऊँगी। मैं जो बाटा वाला है ना वही मैं पहन लूँगी। बस ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत है बट कम्फर्टेबल नहीं है। तो अगर आप लहंगा पहन रहे हैं तो आपका जो फुटवेयर है वो दिखेगा ही नहीं, तो उस दौरान आप कोई कम्फर्टेबल कुछ पहन सकते हैं। ये आप इंडियन वेयर के साथ, ड्रेसेस के साथ और वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। ये एक वर्सेटाइल पीस है बट ये उतना कंफर्टेबल नहीं है। मेरा जो पैर है वो उतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है, उतना ब्रॉड नहीं है, तो इसी वजह से मेरे लिए ये परफेक्ट है। मुझे इस तरीके के ही फुटवेयर्स पसंद आते हैं जो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, क्योंकि वो फिर मेरे पैर के साइड में से निकल जाता है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये मेरे लिए परफेक्ट है एकदम। तो अगर आपका ब्रॉड फीट है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और यहाँ पर भी ग्लिटर्स है, मैंने ब्लैक कलर में लिया है क्योंकि ये एक वर्सेटाइल कलर है। मैं फॉर्मल वेयर के साथ भी इसे वेयर कर सकती हूँ। इसका जो हील का हाइट है वो एकदम बाटा, जो मैंने पहले वाला हील दिखाया था वैसा ही है। इसका हाइट ज़्यादा नहीं है। अगर आप हील्स पहनते हैं तो आपके लिए अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी एंड स्टाइलिश एक फुटवेयर है। आप इसे ओकेशनली पहन सकते हैं बट डेली वेयर के लिए बिल्कुल भी इसे नहीं पहन सकते। बट दिस लुक सो स्टाइलिश। इसमें कई सारे कलर ऑप्शंस भी थे एंड मेरा जो साइज है वो है 39। इसमें मेरा साइज है 39। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। इस बार मैंने जो शूज एंड स्नीकर्स एंड बूट्स है वो इस हॉल में नहीं शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग सा हॉल वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ फ्लैट्स एंड हील्स के लिए ही मैंने ये वाला वीडियो शेयर किया था, स्पेशली फॉर दिस वेडिंग सीजन। ऑल्दो अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो भी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। सो दैट कंप्लीट्स माय हॉल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स के लिए। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।